चलो तो बेटा क्वेश्चन नंबर 100 तक हो गया था। हाँ 100 क्वेश्चन हो गए थे। अब 101 किसी का डाउट था नहीं, 102 डाउट है। एक्सरसाइज फर्स्ट मेडिकल बुकलेट, एक्सरसाइज फर्स्ट, हाँ एक्सरसाइज फर्स्ट मेडिकल बुकलेट। मेरी बात समझ आ रही है? मेडिकल बुकलेट की एक्सरसाइज फर्स्ट में 100 क्वेश्चन तक कर लिया हमने, याद है आपको? ठीक है बेटा। बेटा किसी के हो गए होंगे बट सबके नहीं हुए ना, मेरे पास तो डाउट आ गए, तो मैं डाउट क्लियर, वो जो जो डाउट है वो मैं करा दूंगा। ठीक है फिर, अगर आपसे, फिर आप देख लो, अगर आपसे क्वेश्चन हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? हाँ देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 101 जो है, ये डाउट किसी का नहीं आया, इसमें किसी को दिक्कत है? यार कुछ तो लिखो, हाँ या ना। 101 कराना है? नो। 102 में प्रॉब्लम है बेटा, देख लो। चलो 102, द वेक्टर बी विच इज कोलिनियर विद द वेक्टर ए एंड सेटिस्फाइज द कंडीशन दिस इज। आपको बोलना है एक वेक्टर कोलिनियर कब होते हैं, ये खुद बोल रहा है बी वेक्टर जो है वो कोलिनियर ए वेक्टर, तो मतलब बी वेक्टर मैं लिख सकता हूँ लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर, ये लिख सकता हूँ बेटा मैं। पहले ये बताओ, अगर कोलिनियर वेक्टर्स है मैं लिख सकता हूँ बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर, लिख सकता हूं कि नहीं, हाँ या ना बताओ यार। यस, तो बेटा अगर ऐसा मैं लिख सकता, मुझे तो एक्चुअली वेक्टर बी ही चाहिए है ना, मुझे वेक्टर बी ही निकालना है, और वो किसके बराबर है? लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर। लैम्डा कुछ भी होता है बेटा, के ले लो है ना, पैरेलल वेक्टर आपको पता है ना, वेक्टर पैरेलल जब होते हैं, एक अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, लैम्डा लिखो या के लिखो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिखते हैं ना बेटा, कोई भी नंबर है पॉजिटिव नंबर लैम्डा। ठीक है चलो बेटा, तो अब मुझे क्या है, मुझे अगर वेक्टर बी चाहिए तो ए तो मुझे गिवन है, क्योंकि ए वेक्टर में लिख सकता हूं कितना, ए वेक्टर मेरे पास कितना है बेटा, 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, यही तो है मेरे पास ए वेक्टर। तो मतलब अगर मुझे लैम्डा का वैल्यू मिल गया तो बी वेक्टर मुझे आ गया, क्योंकि मुझे लैम्डा टाइम्स ए करना है। मेरी बात क्लियर है? ठीक है बेटा। चलो देखो, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो, और एक कंडीशन मुझे दे रखी है कि ए डॉट बी अगर आप करोगे वो आपको 3 के बराबर दे रखा है, दे रखा है बेटा क्वेश्चन में ही, ए डॉट बी इज इक्वल टू 3, मुझे बी चाहिए, बी निकालना है मेरे को। ठीक है, अगर मुझे दे रखा है ए डॉट बी इज इक्वल टू 3, ए किसके बराबर बेटा, 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, इसमें किसी को दिक्कत है? अब मुझे क्या करना है, डॉट करना है बी से, बी वेक्टर कितना है बेटा, लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर, मतलब बी वेक्टर है लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर, तो लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर, ए कितना है बेटा, 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ये किसके बराबर दे रखा है, 3 के बराबर। क्लियर है ये बात? यार कुछ लिखो, हाँ हाँ यस नो तो लिखो एटलीस्ट, है ना, नहीं भी आएगा समझ तो नो लिखो, कुछ तो लिखो। ठीक, अब डॉट प्रोडक्ट करना आता है, आई को आई से, जे को जे से, के को के से, 2 × 2 λ कितना हुआ, 4 λ प्लस 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 1 × 1 मतलब लैम्डा, माइनस इंटू माइनस प्लस लैम्डा, अरे क्लियर है, डॉट प्रोडक्ट करना तो आता होगा, इज इक्वल टू 3। चलो बेटा, 4 λ 5 λ तो ये हुआ है 6 λ इज इक्वल टू 3, तो यहां से लैम्डा का वैल्यू कितना आया बेटा, 1/2, लैम्डा का वैल्यू कितना आया, 1/2। बेटा आप के ले लो लैम्डा ले लो कोई दिक्कत नहीं है, लैम्डा किसके बराबर, 1/2, तो आपका बी वेक्टर जो होगा बेटा, बी वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर, लैम्डा कितना है, 1/2 टाइम्स ए वेक्टर, ए कितना है, 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, तो ये कितना आया, आई कैप प्लस 1/2 जे कैप माइनस 1/2 के कैप, तो इसका मतलब बी वेक्टर आपका इतना आया। अगर इसको आप कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखोगे तो आप लिखोगे 1 1/2 माइनस 1/2 ए पार्ट। क्लियर है बेटा सबको, किसी को इसमें दिक्कत है? नो। चलो वेरी गुड, चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 103 रिपीट करना है,
बेटा कहाँ पे रिपीट करना है? अच्छा स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो। फोर स्टेप फोर, स्टेप फोर कौन सा है? ये वाला, ये बेटा ये वाला। अच्छा ये बेटा डॉट प्रोडक्ट करना आता है। 84 एंड 85 मैंने बोला था ना नहीं करने है, एनएलएम करोगे तो फिर हो जाएंगे वो, कोई दिक्कत नहीं। शायद 84 85 मैंने बोला था नहीं करने है, इसमें है भी नहीं वो पेज ही नहीं है। यहाँ पे डाउट है बेटा, ये डॉट प्रोडक्ट करना है, इसमें क्या दिक्कत है? देखो सुनो, इसको मैंने क्या किया, देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। इसको डॉट करना है किससे बेटा? देखो लैम्डा से, इसको टू लैम्डा आई कैप, ये क्या आएगा? प्लस लैम्डा जे कैप माइनस आएगा लैम्डा के कैप, यही तो आएगा। अब इनको डॉट करना है, आई को आई से, जो आई का कोफिशियंट है उसको इससे मल्टीप्लाई कर, जे से, के से, वही तो किया। देखो टू को टू लैम्डा से तो फोर लैम्डा, वन को लैम्डा से तो प्लस लैम्डा, माइनस माइनस प्लस लैम्डा, यही तो कर लिया, डॉट प्रोडक्ट कर लिया बेटा बस। चलो ठीक है, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 103, इसमें बेटा दो वेक्टर है, दोनों परपेंडिकुलर है, आप कर लो ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, तो आपका आ जाएगा वहीं से एक्स का वैल्यू। बेटा ऐसे क्वेश्चन आपके नहीं आने चाहिए, डाउट है ना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन हमने ऐसे किए हैं। क्या है बेटा, एक वेक्टर है थ्री आई कैप प्लस टू जे कैप, मान लो इसको ए नाम दे दूंगा मैं, एक वेक्टर ये है थ्री आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस एट के कैप प्लस एट के कैप, और बी वेक्टर है बेटा आपके पास टू आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस के कैप, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत है क्या? माइनस सेवन आंसर है, तो ए डॉट बी कर लो, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर दे रखे हैं। राइट एंगल का मतलब होता है बेटा परपेंडिकुलर, ठीक है, राइट एंगल का मतलब परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी किसके बराबर होगा? ए डॉट बी किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा कि नहीं होगा? अच्छा ए डॉट बी कर लो, अब टू इंटू थ्री सिक्स प्लस टू एक्स प्लस एट इज इक्वल टू जीरो, ये कितना हुआ? 14x आया माइनस है। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ये तो हो गया, अब ये पहला नहीं है ना, अब बुकलेट हो गई आपको ऑलमोस्ट, ऐसे क्वेश्चन आपको खुद करने चाहिए। इसके बाद 104 भी आपका डाउट, बेटा देखो 104 में वही है, 104 में वही चीज है। देखो आपको इसको प्रूव करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, देखो आपके पास क्या है, वेक्टर ए दे रखा है बेटा थ्री आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। अब बी वेक्टर आपको दे रखा है बेटा सिक्स आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस टू के कैप, चलो बढ़िया है, ये दो वेक्टर आपको दे रखे हैं। अब बेटा ये कह रहा है कि ये वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, या 30 डिग्री पे है या 60 डिग्री पे है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना बेटा, आप सीधे बी वेक्टर को लिख सकते हो बेटा, देखो यहाँ मैं टू कॉमन निकालूंगा इसको, अगर टू कॉमन निकाला तो बचेगा क्या, थ्री आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस के कैप बनेगा, तो ये क्या आया, बी वेक्टर आ गया बेटा टू टाइम्स दिस वेक्टर, ये वेक्टर तो देखो ए है। अभी मैंने आपको बोला अगर ऐसा होता है, ये अगर कोई बी वेक्टर अगर किसी पॉजिटिव नंबर टाइम्स ए वेक्टर होता है, तो ये दोनों वेक्टर आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, ठीक है बेटा, तो दे आर पैरेलल, यही आपको शो करना है, ठीक है बेटा। हाँ चलो सिंपल सी बात है, इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस है नहीं। इसके बाद आपका डाउट है बेटा क्वेश्चन नंबर 107 भी डाउट होना नहीं चाहिए, चलो है तो क्या करें। 107 कह रहा है ए डॉट बी, आपका बेटा ए डॉट बी किसके बराबर, रूट थ्री ए बी बाई टू, ये दे रखा है रूट थ्री ए बी बाई टू, ठीक है बेटा। 100 बेटा 105 तो डाउट था ही नहीं, तूने कब भेजा मेरे को, 104 तो मैंने कराया बेटा, 106 तो ये है, आज भेजे तूने, कब भेजे, मैंने तो देखा, मैं बेटा जब आपके डाउट आते हैं मैं टिक करता हूं, इनमें सब टिक कर रखे हैं मैंने,
चलो फिर भी 105 में प्रोजेक्शन ऑफ पी ऑन क्यू इज, बेटा ये तो डेफिनेशन है प्रोजेक्शन की, पी। हाँ बेटा वैसे भी कर सकता है, वैसे भी कर सकता है, तू ए क्रॉस बी कर, वहां पे भी जीरो आएगा, तो वैसे भी कर सकता है, लेकिन ये तो सिंपल मेथड है ना, लेंथी लेंथी मेथड से अच्छा है कि आप सिंपल मेथड से करना सीखो। मैंने आपको पहले ही बोला हर किसी क्वेश्चन के डिफरेंट तरीके होते हैं, जो आपके माइंड में क्लिक करेगा आप उसी से करोगे, बट हमेशा आपको ऐसा होना चाहिए, वो मेथड आपको आना चाहिए जो थोड़ा इजी होगा, टाइम आपको सेव करेगा एग्जाम में, बाकी कोई दिक्कत नहीं है ना, कर तो सकते हो आप, बहुत तरीके होते हैं। बेटा 105 जो तेरा डाउट है ये बेटा प्रोजेक्शन ऑफ पी ऑन क्यू इज, ये तो प्रोजेक्शन ही है, मतलब डायरेक्ट है, क्वेश्चन है ही नहीं, ये तो डेफिनेशन है प्रोजेक्शन की, ठीक है, इसमें पी डॉट क्यू ही आएगा डायरेक्ट। ठीक है चलो देखो अब एक बार, ए डॉट बी किसके बराबर होता है, ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री ए बी बाई टू, ए बी और ए बी कट जाएगा, कॉस थीटा किसके बराबर आया, रूट थ्री बाई टू, कब होता है बेटा कॉस थीटा का वैल्यू रूट थ्री बाई टू, 106 का आंसर क्या है बेटा, मुझे नहीं पता क्या है, यहां थीटा आएगा 30 डिग्री, 106 का आंसर यार परपेंडिकुलर है, दोनों को डॉट प्रोडक्ट कर आंसर आ जाएगा 106 में क्या है बेटा, दो वेक्टर है परपेंडिकुलर है, ठीक है, आपका एल एल पूछा है, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट में डायरेक्ट करूंगा, 15 प्लस 2 माइनस 12 ठीक है इज इक्वल टू 0, ये आएगा, तो ये आ गया माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 17, मतलब एल आ गया बेटा 8.5 आपका आंसर होगा बेटा इसमें, एल 8.5 106, क्लियर हुआ अब, यस चलो। इसके बाद बेटा 1010 डाउट है, 10110 ठीक है, द एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए इज, देखो बेटा अगर ये मान लो ए है ये बी है, अगर आपको याद होगा ए क्रॉस बी जब करते हैं तो वेक्टर किधर होता है, जो इनके मतलब ए क्रॉस बी करोगे तो वेक्टर ही मिलेगा, अगर आप ए क्रॉस बी करोगे तो वेक्टर मिलेगा, वो वेक्टर किधर होगा बेटा, किधर होगा, आउटसाइड मतलब बोर्ड के बाहर, तो मतलब ये आपका ए क्रॉस बी है, ठीक है बेटा, अब अगर बी क्रॉस ए करना है, बी ए अगर बेटा बी क्रॉस ए करना है तो वेक्टर किधर होगा जरा बताओ, बी क्रॉस ए का वेक्टर किधर होगा, अंदर बोर्ड के अंदर, इनसाइड, वेरी गुड, तो ये होगा, अब एक वेक्टर बाहर की तरफ एक वेक्टर अंदर की तरफ, एंगल कितना है, 180 तो होगा, 180 डिग्री आपका आंसर होगा, दैट इज पायरेडियन आपका आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 111, वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू बोर्ड, 111 A vector that is perpendicular to both the vectors this and this is. बेटा ये तो सिंपल सी बात है, बेटा 109 में क्या है, A cross B plus B cross A. ये तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसे 110 है, सॉरी 110 हाँ 110 जैसे है वैसा ही है, इनके बीच में null vector ही तो आएगा, क्योंकि अगर आपको याद होगा जीरो आएगा, जीरो, यस, अगर आपको याद होगा ए क्रॉस बी अगर आप करोगे तो ए क्रॉस बी करोगे बेटा, इसका मॉड अगर आप लोगे ना, ये किसके बराबर है, बी क्रॉस ए के मॉड के बराबर, मॉड तो दोनों का बराबर होता है ना बेटा, बट एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ, ठीक। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 111, ए वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स, एक वेक्टर आपका दे रखा है ए इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, चलो ठीक है बढ़िया, b वेक्टर आपको दे रखा है बेटा i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, अब ये बोल रहा है कोई वेक्टर बताओ जो इसको और इसको दोनों को परपेंडिकुलर होगा, ये तो आपको पता है, अगर मैं इसको बेटा a क्रॉस b करूंगा, सुनो बात सुनो मेरी, a क्रॉस b अगर करूंगा कोई वेक्टर आएगा, मान लो c आ गया d आ गया जो भी आप मान लो, और बेटा ये c वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होता है कि नहीं होता है, पहले ये बताओ होता है कि नहीं होता है,
वही तो पूछ रहा है, ये बोल रहा है ए बी दो वेक्टर आपको दे रखे हैं, आपको एक वेक्टर ऐसा निकालना है जो इसको भी परपेंडिकुलर होगा और इसको भी परपेंडिकुलर होगा, तो कुछ नहीं करना है आपको, इनके दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करना है, जो वेक्टर बेटा आपको मिलेगा वही वेक्टर आपका आंसर होगा। चलो करो इनको क्रॉस प्रोडक्ट करो, सी वेक्टर, सी वेक्टर जो आएगा मुझे वो आएगा बेटा ए क्रॉस बी से, किससे, ए क्रॉस बी से करो, वही मैंने डिटरमिनेंट मेथड बोला था, यहां मैं करूंगा डिटरमिनेंट मेथड बेटा, आई कैप जे कैप के कैप, ठीक ठीक है बेटा। तो कितना है पहले कितने हैं इसके, वन माइनस टू वन, और इसके वन वन सॉरी माइनस वन वन, ठीक है। अब आप निकालो इसको, क्या आएगा आई कैप एज इट इज, फिर क्या माइनस टू, ध्यान दे रहे मैं कहीं गलत ना करूं, टू माइनस टू प्लस वन, ठीक है, माइनस जे कैप, अब जे कैप अगर आ गया, ये आ गया वन माइनस वन, ठीक है सही है, प्लस के कैप, के कैप अगर करेंगे तो बेटा वन के कैप वन माइनस वन, वन इंटू माइनस टू मतलब प्लस टू, सही है बेटा। मैंने सिखाया था आपको ऐसे भी करते हैं अगर ए क्रॉस बी कर रहे हैं, नहीं तो आप अपने मेथड से करो जैसे वो कर रहे हैं, आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे, पहले एक को तीनों से फिर दूसरे को तीनों से फिर तीसरे, वैसे ही कर लो बेटा कोई दिक्कत नहीं, जैसी तेरी मर्जी है। मैंने इनको सिखाया था उस टाइम, तू होगा नहीं शायद क्लास में, माइनस टू प्लस वन तो माइनस आई कैप, ये तो जीरो हो जाएगा, और प्लस के कैप माइनस वन प्लस के कैप, तो आई माइनस आई कैप प्लस के कैप माइनस आई कैप प्लस के कैप, ये आंसर है, सही है बेटा। आप डिटरमिनेंट मेथड करो, ये शॉर्ट ट्रिक है ए क्रॉस बी करने का, सीधे आ जाता है आंसर। दूसरा आप वैसे अपने मेथड से भी करोगे वैसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है वो ये बारह कर। इसमें हम क्या करते हैं बेटा, आई को, ये जो आई कैप है ना, जिसको दिक्कत है वो वीडियो देख लेना, ठीक है, मैंने उसमें समझाया कैसे करते बेटा। डॉट प्रोडक्ट क्यों करेगा, उससे थोड़ी तेरे को मिलेगा वेक्टर जो परपेंडिकुलर इसको और इसको होगा, थोड़ी मिलेगा, ये तो क्रॉस प्रोडक्ट की, वहां तो पहले डॉट प्रोडक्ट में फैक्टर मिलता भी नहीं है, ठीक है। ओके चलो, ये आपका क्लियर हो गया, ये वाला भी कोई दिक्कत नहीं है। ये था क्वेश्चन नंबर वन 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 टू, वन वन टू में क्या दे रखा है, गिवन थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी देन दिस, आपको ये बोलना है ये किसके बराबर, ये बेटा ध्यान से सुना, ये ए कैप है, ठीक है, क्रॉस बी कैप, ए कैप मतलब यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है वन, ठीक है यस। चलो ये हमें निकालना है, ये किसके बराबर होगा, आपको पता है ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ दिस प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। मैंने आपको पहले ही दिन जब मैंने वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ाया था, मैंने बोला था अगर आपको एन कैप हटाना है तो यहाँ पे आप मॉड लेते हो, यही बोला था मैंने, याद है कुछ, बस हो गया ना क्वेश्चन, इसका 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 कितना है मैग्नीट्यूड वन, इसका मैग्नीट्यूड कितना वन साइन थीटा, तो साइन थीटा इज योर आंसर, क्योंकि ये दे रखा है कैप कैप, और यहाँ पे मॉड लगाया है तो एन कैप की कोई जरूरत नहीं। आंसर इज माइनस साइन थीटा 112, 112 का आंसर 112 माइनस साइन थीटा, तो बेटा ऑप्शन भी नहीं है, हाँ माइनस साइन थीटा तो ऑप्शन भी नहीं, सही सब 112 हो गया। 113 चलो ये तो थर्ड आउट, सरपट उनके ऊपर एरो है, तेरे में एरो है बेटा, मेरी बुकलेट में तो बेटा ए कैप है, ध्यान से देखना वो कैप है, बुकलेट तो एक ही है, तेरे और मेरे पास भी वही है, ये ए कैप है, ध्यान से देखना तू, पीडीएफ में एरो है तो उसको सही कर लेना बेटा, अगर वो है ये कैप है तो तू आंसर आएगा भी नहीं, कैप है वो, सही कर लो अगर किसी को दिक्कत है, कैप है बिल्कुल। चल 113 फॉर एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी, इफ दे रखा है क्या ए डॉट बी, क्या बेटा ए डॉट बी किसके बराबर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको जब क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाया था मैंने बोला था ये बहुत बार हम यूज करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, इससे डायरेक्शन हट जाती है ना, तो क्वेश्चन फिर इजी तरह हो जाता है।
देन मैग्नीट्यूड ऑफ सी, मतलब फिर इसका मैग्नीट्यूड हमें पूछ रहा है क्वेश्चन में, ये किसके बराबर होगा, मतलब मुझे यहाँ थीटा से थीटा निकालना है, फिर यहाँ पे आराम से मैं निकाल सकता हूँ. तो इस रिलेशन से थीटा निकालो, ए डॉट बी किसके बराबर होता है, ए बी कॉस थीटा, ठीक है बेटा. ए क्रॉस बी किसके बराबर, ए बी साइन थीटा, ए बी कट जाएगा, साइन बाई कॉस दैट इज टेन थीटा इज इक्वल टू वन. टेन थीटा अगर वन है, टेन थीटा अगर वन है तो थीटा कितना होता है बेटा, 45 डिग्री. क्लियर है, क्लियर है? Yes. अगर tan theta, ये इतना, मतलब theta आ गया 45 degree. अब c निकालो, c किसके बराबर आएगा, अंडर रूट ऑफ a square plus b square plus 2ab cos theta, 2ab cos theta. चलो बेटा सही है, अंडर रूट a square, वो a square ही आंसर भी a square में ही, a square plus b square plus 2ab cos 45 का वैल्यू 1 by root 2, मतलब रूट टू आएगा, आंसर यही होगा. कौन सा है, अच्छा थोड़ा चेंज करना है बेटा, बेटा इसको चेंज कर लो, रूट टू से मल्टीप्लाई भी कर लो, रूट टू से डिवाइड भी कर लो, तो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, टू टू कट जाएगा, प्लस रूट टू ए बी. क्लियर है, डी आएगा ऑप्शन. यस बेटा, चलो ऑप्शन देख के हमें आंसर करना पड़ता है ना, किस हिसाब से पूछ, हम तो यहाँ पे भी छोड़ सकते थे बट यहाँ पे हमें आंसर ही नहीं मिला कोई. ठीक, क्लियर, क्वेश्चन 113 क्लियर है? ओके बेटा, 114 गिवन हमें क्या है, P डॉट Q जीरो के बराबर है. अगर P डॉट Q जीरो के बराबर है, इसका मतलब है बेटा P क्या होगा, परपेंडिकुलर टू, ये बात तो पक्का है, पता है हमें. एंड P क्रॉस Q इज इक्वल टू जीरो, P क्रॉस Q इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब है P इज पैरेलल और एंटी पैरेलल. हाँ, इसका मतलब है, चलो हम एक मानेंगे P इज पैरेलल टू, बट ये तो गलत हो गया ना बेटा, स्टेटमेंट तो रॉन्ग है, क्योंकि अगर इसने बोला P डॉट Q इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब P इज परपेंडिकुलर टू Q. अगर इसने बोला P क्रॉस Q इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब P इज पैरेलल टू Q. ये कैसे हो सकता है, यहाँ तो P परपेंडिकुलर Q होगा, यहाँ तो पैरेलल, दोनों तो नहीं हो सकता ना बेटा. अरे मेरी बात क्लियर है, ऐसा हो सकता है क्या, P पैरेलल भी होगा, P परपेंडिकुलर भी होगा? नो, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ऑप्शन डी इसका हो. ठीक है बेटा, चलो ऑप्शन डी ये हो गया. क्वेश्चन नंबर 15, मतलब 115, द वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस सी इज, देखो बेटा ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मिलते हैं, सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, ए क्रॉस बी प्लस ए, ये ए क्रॉस बी प्लस ए, यस, ये क्या है, ये परपेंडिकुलर टू ए, परपेंडिकुलर नल वेक्टर है, परपेंडिकुलर बोथ. सुनो, B प्लस सी, बी प्लस ए, मान लो बेटा कोई वेक्टर आएगा, वेक्टर ही तो आएगा जब इसको जोड़ेगा B प्लस ए को, मान लो कुछ वेक्टर C आ गया, ठीक है. अच्छा एक बात बताओ, जिस प्लेन में A होगा B होगा उसी, वही C भी उसी प्लेन में होगा. अब देखो A क्रॉस C जब करोगे, कुछ वेक्टर आएगा, सपोज मान लो यहां से मेरे को वेक्टर D मिला, मान लिया मैंने, और जो ये वेक्टर D मिला, D इज परपेंडिकुलर टू A है कि नहीं, एंड डी इज परपेंडिकुलर टू सी, और सी किस में है, बी और ए में, तो इसका मतलब है डी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बी. क्लियर है, तो इसका मतलब ये हुआ परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, ए को भी परपेंडिकुलर है और बेटा बी को भी है. अब ये बी को क्यों है, क्योंकि जब तूने बी प्लस सी, देखो ये बी है, ये बेटा ए है, जब इन दोनों को आप जोड़ोगे ना, कोई वेक्टर सी आएगा और वो तो इसी प्लेन में आता है ना, दिस प्लस दिस, ये इसी प्लेन में आएगा, बाहर तो नहीं आएगा ना. हाँ, तो ये इसी प्लेन में है. अब इस वेक्टर को जब तू क्रॉस करेगा ए से, इससे जब तूने क्रॉस किया, तो तेरे पास वेक्टर ये मिला, देखो मार्कर जो अभी है ये, ठीक है बेटा, मार्कर जो है अभी ये, आपका वेक्टर मिल गया डी. अब ये डी देखो, ये परपेंडिकुलर है सबको, बी को भी, सी को भी, ए को भी, ये सबको है,
ठीक है, तो वही बात है, डी इज परपेंडिकुलर टू ए, डी इज परपेंडिकुलर टू सी, ये तो इसके अकॉर्डिंग चला, बट सी आप ये भी कह सकते हो डी इज परपेंडिकुलर टू बी, मतलब ए और बी दोनों को परपेंडिकुलर, ठीक है, क्लियर, ठीक है, ओके बेटा। क्वेश्चन नंबर 117, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द एडजेसेंट साइड्स विद दिस एंड दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। बेटा जब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछेगा ना कभी, तो आप लिखना हाफ मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल। और अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछेगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछेगा, तो आप लिखना ए क्रॉस बी, बट ध्यान देना ये ए एंड बी एडजेसेंट साइड्स होने चाहिए, क्या होनी चाहिए, एडजेसेंट साइड्स, अगर डायगोनल्स देंगे ना, इफ डायगोनल्स आर गिवन, इफ डायगोनल्स आर गिवन, मान लो आपको डायगोनल दे रखे हैं, एडजेसेंट साइड्स नहीं दे रखे, उस टाइम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेटा हाफ पी क्रॉस क्यू, पी एंड क्यू आर डायगोनल्स, ठीक है, क्लियर, तीनों पॉइंट्स समझ आ गए, यस, चलो अब इस टाइम हमें क्वेश्चन पूछा है, बाकी दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे बेटा सेकंड एक्सरसाइज एंडिंग पे, ठीक है, वो वहां पे करेंगे, अभी हमारा ये वाला मिल रहा है, चलो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी का मॉड निकालना है, पहले मैं ए क्रॉस बी करूंगा फिर मॉड निकालूंगा, ए क्रॉस बी निकालना है, मुझे ए दे रखा है कितना, ए दे रखा है बेटा, ए दे रखा है थ्री आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस फोर के कैप, ठीक है, दिस इज ए, व्हाट इज बी, माइनस आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस के कैप, ये दो वेक्टर आपको दे रखे हैं बेटा, आपको ए क्रॉस बी निकालना है, आप जैसे निकालो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बताया था आपको डिटरमिनेंट मेथड थोड़ा हमें रिजल्ट जल्दी देता है शॉर्टर के फॉर्म में, ठीक है, तो ये थ्री ये टू ये माइनस फोर, मैंने सही लिए क्या, थ्री टू माइनस फोर, थ्री टू माइनस फोर, माइनस वन टू वन, ठीक है, ये आ गया माइनस वन टू वन, क्लियर है, चलो बढ़िया, क्लियर है, ये कितना आएगा माइनस, सॉरी आई आई टू माइनस प्लस एट, दैट इज टेन, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, माइनस जे कैप, जे कैप थ्री थ्री माइनस फोर प्लस के के कैप सिक्स माइनस सिक्स प्लस टू, ये आ गया, तो इसको थोड़ा आप लिखो तो क्या आएगा, ए क्रॉस बी आएगा बेटा, ए क्रॉस बी जो वेक्टर आएगा वो आएगा टेन आई कैप, आप भी कर लेना, टेन आई कैप प्लस जे कैप प्लस एट ए कैप प्लस जे कैप, वेरी गुड, प्लस एट ए कैप, वेरी गुड, सही था तू, मेरे से जल्दी कर लिया, ठीक है, तो ये आ गया, ठीक है, 10 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 8 ए कैप इज योर ए क्रॉस बी, बट इसका मॉड चाहिए मुझे, तो मैग्नीट्यूड निकालो, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना होता है बेटा, अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर दैट इज 100 प्लस 1 प्लस 64, कितना हुआ रूट 165, अब मुझे एरिया चाहिए तो एरिया की फॉर्मूला पुट करो, अब एरिया क्या है हाफ ए क्रॉस बी का मॉड, दैट इज रूट 165, दैट इज रूट 165 डिवाइड बाई 2, मतलब ऑप्शन ए, क्लियर है सबको, सिंपल क्वेश्चन है बेटा, बस ए क्रॉस बी आपको करना आना चाहिए, ए क्रॉस बी जैसे भी आप कर लोगे, डायरेक्ट भी कर सकते हो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक, क्लियर, ओके बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 118 पे, 118 भी डाउट है, ओके बेटा, चलो The angle between A and B is theta. The value of the triple product is this. हमें इसका value निकालना है. A dot B cross A. और angle मुझे दे रखा है A और B के बीच में theta. कोई दिक्कत नहीं. अच्छा बेटा एक बात बताओ. A dot. जब ये B cross A करोगे, जो vector आएगा C. मान लो यहाँ vector कोई C आएगा. आएगा ना कोई vector ही बेटा जब cross product करते हैं. और वो C vector क्या होगा? Perpendicular to both A and perpendicular to B, दोनों के परपेंडिकुलर होगा, अरे होता है ना,
अगर तुम ए क्रॉस बी करोगे वहां पे कोई वेक्टर मिलता है, और जो वेक्टर होता है वो दोनों के परपेंडिकुलर होता है। मतलब तुमने जब बी क्रॉस ए किया, मान लो तुमने कोई बोला सर सी वेक्टर बना, अच्छा ये सी वेक्टर परपेंडिकुलर ए को भी है और बी को भी है। अब अगर ये ए को परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी कितना होगा, फिर ये डॉट है बेटा, ए डॉट बी कितना होगा, जीरो। क्यों जीरो होगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर आपस में होते हैं। क्लियर, क्लियर है बेटा? यस। चलो ये क्वेश्चन 118। अब 119, 119 क्या कहते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट। ये तो वैसे डाउट में है भी नहीं, ये तो डाउट में नहीं है बेटा, क्वेश्चन नंबर 120 है। 119 डाउट है किसी को, करवा दो, पूरे ही तो करवाता हूँ बेटा। कौन सा छोड़, अब वो छोड़ता हूँ जो रिपीट है, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज रूट थ्री टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, यही तो हो गया। एक तो वेक्टर प्रोडक्ट दो वेक्टर का और इसका मॉड, ये हो गया मैग्नीट्यूड। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट टू वेक्टर्स इज रूट थ्री टाइम्स द स्केलर प्रोडक्ट, ये मुझे दे रखा है, ठीक है। द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज, अब मुझे एंगल निकालना है, अरे कोई दिक्कत है, ये मुझे दे रखा है क्वेश्चन में, बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू रूट थ्री टाइम्स द स्केलर प्रोडक्ट। ए बी, अब देखो तो ये आएगा ए बी साइन थीटा, क्योंकि मॉड है तो कोई डायरेक्शन का डायरेक्शन वगैरह कुछ नहीं देखना, मॉड है, ठीक है बेटा। इज इक्वल टू रूट थ्री ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, ए बी और ए बी कट जाएगा, कितना बनेगा ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा, दैट इज टेन थीटा। टेन थीटा किसके बराबर आया, रूट थ्री। कब होता है बेटा टेन थीटा रूट थ्री, कब होता है, 60 पे, वेरी गुड। तो 60 इज योर आंसर, तो मतलब पाई बाई थ्री इज योर आंसर, पाई बाई थ्री। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120 देखो, आप ये लिखो जल्दी। वन ट्वेंटी डाउट है बहुत सारे बच्चों का, 120। अगर आप 120 देखोगे बेटा, फोर्स दे रखा है आपको, फोर्स कितना है, फोर्स आपके पास दे रखा है 3J का, नो प्रॉब्लम। एक्ट्स ऑन द रॉड एट ए पॉइंट दिस, ये किसी रॉड पे एक्ट करता है, किस पॉइंट पे, पॉइंट पी पे, उसके कोऑर्डिनेट्स 100 दे रखे, ठीक है। हियर सेंटर ऑफ रॉड इज टेकन एज ओरिजिन, देन द टॉर्क अबाउट ओ इज, टॉर्क निकालना। एक बात मैं बताऊं आपको, आप ये थोड़ा बहुत सोचोगे सर ये क्या क्वेश्चन है, टॉर्क वर्क हमें ये समझ ही नहीं आया, आएगा भी नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बेटा ये टॉर्क अलग कंसेप्ट है, इसको आराम से आपको पढ़ना है, जब आप रोटेशन पढ़ोगे तो डिटेल में पढ़ना है टॉर्क वगैरह क्या होता है। अभी आपको कुछ नहीं याद रखना है, आपको बस ये याद रखना है टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, मतलब डेफिनेशन, बस इतना याद रखना है। आर क्या होता है, पोजिशन वैक्टर, एफ क्या होता है, फोर्स। अब पोजिशन वैक्टर कितना है यहाँ पे, आई कैप, तो आप लिखोगे आई कैप क्रॉस किससे करना है, एफ, एफ कितना है 3J कैप, तो आई कैप ये लिखोगे डायरेक्ट, आप इसको थोड़ी डिटरमिनेंट यूज करोगे, ये तो सिंपली हो जाएगा एक ही, ठीक है। आई क्रॉस 3J कैप, तो ये 3 आई क्रॉस जे, अच्छा आई क्रॉस जे किसके बराबर होता था बेटा, के के बराबर, तो 3K इज योर आंसर। आपको बस ये याद रखना है, बाकी कुछ नहीं। ये क्या होता है, टॉर्क कैसे होता है, ये आपको नहीं ध्यान, आपको वेक्टर का क्वेश्चन करना है, आपको बस पता होना चाहिए टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ। क्वेश्चन हो गया 3K कैप, आपका आंसर आएगा, ठीक है, ठीक है बेटा। चलो वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 121। इफ पी डॉट क्यू इज इक्वल टू जीरो, देन पी क्रॉस क्यू का मॉड किसके बराबर है, आपको दे रखा है पी डॉट क्यू किसके बराबर, जीरो, ठीक है। देन पी क्रॉस क्यू का मॉड किसके बराबर है, अगर ये दे रखा है पी पी डॉट क्यू इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब है पी इज परपेंडिकुलर टू क्यू, यानी मतलब थीटा किसके बराबर बेटा, 90 डिग्री, थीटा किसके बराबर, 90 डिग्री, मतलब ये दोनों क्या है आपस में, परपेंडिकुलर, ठीक है, क्लियर है ये बात। दे रखा ना पी डॉट क्यू इज इक्वल टू जीरो, अरे कितनी बार यूज किया, अब तो आना चाहिए, इसका मतलब पी इज परपेंडिकुलर टू क्यू, अगर पी परपेंडिकुलर टू क्यू है तो थीटा कितना है, 90 डिग्री। अब अगर 90 डिग्री है, अब तुझे पूछ क्या रहा है, पी क्रॉस क्यू का मॉड निकालो, ठीक है निकाल सकते हैं, क्या दिक्कत है, पी क्रॉस क्यू ये आएगा पी क्यू साइन थीटा, अब साइन थीटा किसके बराबर, पी क्यू साइन 90 का मतलब साइन 90 किसके बराबर, 1, मतलब पी क्यू इज योर आंसर, पी क्यू इज योर आंसर, पी क्यू। अब इसने मॉड वैसे लिया, आप ऐसे भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत, इसने ऐसे लिया
ऐसे ले लो या ऐसे, इसमें कोई दिक्कत ठीक है। ओके क्वेश्चन नंबर 122 ये मिटाओ। आज सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे ना। चलो 122 ए डॉट बी का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस बी का स्क्वायर, इसके मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है ये हमें निकालना है ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है, ए डॉट बी क्या लिखोगे, ए बी कॉस थीटा, इसके स्क्वायर दिखा है प्लस, ये बेटा मॉड है ए क्रॉस बी, तो आप लिखोगे ए बी साइन थीटा सीधे, क्योंकि मॉड दे रखा है साथ में, इसका स्क्वायर ये मुझे नहीं पता, यही निकालना है किसके बराबर है, क्लियर है। ये आएगा ए बी, ये आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन निकालो, बचेगा क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर, वन के बराबर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपका आंसर ठीक है। सिंपल क्वेश्चन, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 123 क्या दे रखा है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो एंड बी क्रॉस सी इज इक्वल टू, देन द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस सी, वन टू थ्री, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। एंड बी क्रॉस सी इज इक्वल टू, और मुझे ये भी दे रखा है बी क्रॉस सी, ये भी किसके बराबर, देन द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी का वैल्यू कितना होगा, एक बात बताओ बेटा, अगर ए क्रॉस बी जीरो है तो ए या तो पैरेलल होगा या तो एंटी पैरेलल होगा। मान लो बेटा ए ये रहा, मान लो मैंने मान लिया ए इज पैरेलल टू बी, मान लिया कोई दिक्कत नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और बी क्रॉस सी किसके बराबर, बी क्रॉस सी भी जीरो के बराबर, इसका मतलब है बी भी किसके पैरेलल सी के। अरे इस स्टेटमेंट का मतलब है ए इज पैरेलल टू बी, इस स्टेटमेंट का मतलब है बी इज पैरेलल टू सी ठीक है। अब अगर आप देखोगे बी बी, इसका मतलब है ए भी पैरेलल होगा किसके सी के, अरे होगा कि नहीं, अगर ए पैरेलल बी है, बी खुद सी के पैरेलल है, तो ए और सी भी क्या होंगे पैरेलल होंगे, तो अगर ए और सी पैरेलल है तो ए क्रॉस सी किसके बराबर होगा बेटा, जीरो के बराबर होगा, तो मतलब ए क्रॉस सी जो होगा जीरो के बराबर ठीक ठीक है ना, यस ओके वेरी गुड। अब क्वेश्चन लास्ट, क्वेश्चन लास्ट 124 बेटा, ये तो दो तीन बार करा है, अब इसको फिर से कराना है क्या, ए दे रखा है 4i कैप प्लस 6j कैप एंड बी दे रखा है, सर लास्ट स्लाइड, ए दे रखा है 4i कैप प्लस 6j कैप, बी दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कराना नहीं है ना, हो गया ये तो बहुत बार किया है आपने। इसके बाद आप चलो बेटा एक्सरसाइज सेकंड पे, एक्सरसाइज सेकंड के डाउट्स जो आपने कल भेजे थे बेटा आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 61 फर्स्ट डाउट है, क्वेश्चन नंबर 61 पेज नंबर बेटा पेज नंबर 1.45, बहुत डाउट है बेटा तो सारे करेंगे क्या दिक्कत है, बहुत तो नहीं होने चाहिए, कुछ क्वेश्चंस अच्छे हैं वो मैं करा दूंगा सारे, आप चिंता ना करो ठीक है, डाउट है तो अच्छी बात है ना, क्लियर हो जाएंगे ठीक। क्वेश्चन नंबर 61 आपका फर्स्ट डाउट है, चलो देखो, ए बर्ड मूव्स 58 59 60 किसी का डाउट नहीं है, 61 में एक्सप्लेन कर रहा हूं, ए बर्ड मूव्स फ्रॉम पॉइंट दिस टू दिस, एक बर्ड है वो इस पॉइंट से चला, इस पॉइंट से 1 -2 3 से कहां तक 4 2 3 4 2 3 यहां से यहां चला, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक बर्ड चला, कोई दिक्कत नहीं चलने दो ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ द बर्ड, स्पीड आपको दे रखा है बर्ड की कितनी 10 meter per second ठीक नो प्रॉब्लम, देन द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द बर्ड इज, अब वेलोसिटी आपको निकालनी है, क्या निकालनी है बेटा वेलोसिटी,
थोड़ा बहुत आपने काइनेमेटिक्स कर ली है तो कर लोगे इस क्वेश्चन को, अगर काइनेमेटिक्स आपने नहीं की होती तो मैं ये क्वेश्चन छोड़ देता, बट आपने काइनेमेटिक्स की है तो इसको हम इजीली कर सकते हैं। एक बात बताओ बेटा, वेलोसिटी किसके बराबर होता है? चेंज इन पोजिशन वेक्टर, मतलब डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, यही होता है, ये याद है सबको, अभी काइनेमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा। यस, वेलोसिटी जो होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, ठीक है, हाँ सर होता है, कोई दिक्कत नहीं। ये फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, एक्चुअली मुझे यहाँ पे निकालना है वेलोसिटी। बेटा वेलोसिटी जो है वो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, पहले बताओ ये मॉड ऑफ वी क्या होता है? स्पीड, मतलब इस स्पीड को मैं बेटा ऐसे लिख सकता हूँ, ये दैट इज कॉल्ड स्पीड। मॉड ऑफ वेलोसिटी का मतलब बेटा स्पीड, तो स्पीड किसके बराबर है? 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये है, बट मुझे v कैप चाहिए। v कैप मतलब डायरेक्शन ऑफ v। अब वो डायरेक्शन किधर होगी? मुझे पता है वो डायरेक्शन होती है जिस तरफ डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर, मतलब डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब मैं यूनिट वेक्टर, अगर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट वेक्टर लिखूंगा वही v कैप होगा, मतलब वही डायरेक्शन होगी इस वेलोसिटी की। तो मतलब मुझे यहां से निकालना है s कैप, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का यूनिट वेक्टर। यस, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट वेक्टर, चलो वही होगी बेटा डायरेक्शन इसकी। आपको क्वेश्चन समझ आया ना? पूछ क्या रहा है क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा वेलोसिटी वेक्टर निकालो। वेलोसिटी वेक्टर होती है स्पीड इनटू यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वी। अब वो कैसे होगा? इसकी वही डायरेक्शन होती है जो डिस्प्लेसमेंट की होती है। अब डिस्प्लेसमेंट का मैं अगर यूनिट वेक्टर निकालूंगा, वो यहां मल्टीप्लाई करूंगा, मेरा आंसर हो जाएगा। अब ये मैं डिस्प्लेसमेंट के टर्म में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मुझे तो यही दे रखा है, मुझे इनिशियल और फाइनल पोजिशन दे रखे हैं, मैं पोजिशन वेक्टर से निकाल सकता हूँ। तो मैं एस फाइनल, मैं पहले डेल्टा एस निकालूंगा, डेल्टा एस मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा पहले, ठीक है, वो आएगा फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। अब फाइनल पोजीशन वेक्टर कितना होगा बेटा? पोजीशन वेक्टर आप पता है ना आपको, इसको पोजीशन वेक्टर में जब देखोगे तो एस फाइनल आपके पास आएगा बेटा 4i कैप + 2j कैप + 3k कैप। चलो ये आ गए एस फाइनल, और अगर एस इनिशियल आप देखोगे तो यहां से आएगा एस इनिशियल, इनिशियल वेक्टर कितना i कैप माइनस 2j कैप + 3k कैप। चलो मतलब s फाइनल और s इनिशियल आ गया, तो मैं निकाल सकता हूँ। तो डेल्टा s डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होगा वो होगा s फाइनल माइनस s इनिशियल। s फाइनल बताओ 4i - i दैट इज 3i कैप + 2 दैट इज + 4j कैप, मैंने डायरेक्ट कर लिया, ठीक है, 3 - 3 मतलब 0k कैप, तो 0, ठीक है, चलो लिख भी लेता हूँ +0k। अब बेटा आपको इसका यूनिट वेक्टर चाहिए, आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्प्लेसमेंट के अलोंग यूनिट वेक्टर, तो आप निकालोगे यूनिट वेक्टर अलोंग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, वो किसके बराबर? वो होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। वेक्टर कितना? 3i कैप + 4j कैप + 0k कैप, अब लिखूंगा नहीं, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड दैट इज 339 + 4 दैट इज 3i कैप + 4j कैप डिवाइड बाई बेटा 25 मतलब 5। ये आ गया, ये आपको आ गया यूनिट वेक्टर अलोंग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मतलब यही यहाँ पे मल्टीप्लाई करो आपकी वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगी। अच्छा क्वेश्चन था बेटा, अच्छा कोई ये मतलब काइनेमेटिक्स में भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो वी आपको ये कितना है मैग्नीट्यूड 10 इंटू 3i कैप + 4j कैप और डिवाइड क्या है 5, तो ये 2 हो जाएगा, तो वेलोसिटी वेक्टर कितना है 6i कैप + 8j कैप, 6i कैप + 8j कैप इज योर वेलोसिटी वेक्टर। बताओ सबको क्लियर है डी पार्ट? पक्का क्लियर है या ऐसे ही लिख रहे हो? बढ़िया है, चलो ये तो काइनेमेटिक्स वाला क्वेश्चन भी हो गया आपका पक्का, चलो वेरी गुड। तो ये आपका ये क्वेश्चन हो गया, लिखो जल्दी। बेटा जल्दी करो, हो गया? अरे कुछ तो बोलो, हो गया या नहीं हो गया? आपके तो तोते उड़ गए शायद क्वेश्चन से, है ना? तोते उड़ गए क्या बेटा? नो,
चलो फिर क्या, कबूतर। चलो ठीक है बेटा, हो जाएंगे क्वेश्चन, है ना? रिपीट करना है, महक कहती है रिपीट करो सर। बेटा मैंने कहा कि स्पीड जो है ये होता है मॉड ऑफ वी, मुझे निकालना है वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब स्पीड इंटू यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर किधर है? अलोंग वी, और वी की बेटा डायरेक्शन वही होती है जो डिस्प्लेसमेंट की होती है, क्योंकि मुझे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के बारे में दी गई इंफॉर्मेशन। तो मैं यूनिट वेक्टर अलोंग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालूंगा, वही होगा वेक्टर अलोंग वी। तो मैंने क्या निकाला, ये वी कैप निकालने के लिए मैंने क्या निकाला, एस कैप, मतलब डिस्प्लेसमेंट यूनिट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वो कैसे निकाला, पहले फाइनल, ये फाइनल पोजिशन वेक्टर, ये इनिशियल पोजिशन वेक्टर। तो फाइनल पोजिशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजिशन वेक्टर जब आप करोगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिलेगा। अब अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिला, उसका यूनिट वेक्टर तो निकाल सकते हो ना, वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, आपको मिल जाएगा बेटा यूनिट वेक्टर। वही यूनिट वेक्टर, इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया। मैग क्लियर है अब? यस ओके। चलो अब बेटा क्वेश्चन नंबर 63 62, थैंक गॉड 62 बेटा आपका डाउट नहीं है, ठीक है। 63, इफ ए इज अ वेक्टर एंड एक्स इज अ नॉन जीरो स्केलर देन, ये भी डाउट है। अच्छा, एक्स इज ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए, सही है, एक्स इज ए वेक्टर कोलिनियर टू ए। अच्छा इसमें बेटा दोनों आंसर आएंगे, एक्स इज ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए, वो भी एक ही बात है, एक्स इज ए वेक्टर कोलिनियर टू ए, दोनों एक ही बात है, दोनों इसके आंसर सही है, ठीक है। इसी में कंफ्यूज हुए थे क्या आप? अरे कुछ तो बताओ। बेटा ए अगर वेक्टर है, एक्स नॉन जीरो स्केलर है, नॉन जीरो स्केलर है, देन एक्स इज ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए। बेटा एक्स अब नॉन, अभी तूने देखा था ना, मैं अब बोल रहा था ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, मैं बोल रहा था ए एंड बी आर पैरेलल। अगर ये बेटा पॉजिटिव नंबर है तो ये खुद बोल रहा है नॉन जीरो, पॉजिटिव नंबर, नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर, स्केलर मतलब पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो ए लैम्डा बी आएगा, तो इसका मतलब है एक्स इज ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए और एक्स इज ए वेक्टर कोलिनियर टू ए, दोनों तो एक ही बात है ना, ठीक है। वैसे इसमें आंसर कौन सा है, बी, एक्स इज ए वेक्टर कोलिनियर टू ए, एक्स इज ए वेक्टर इन द डायरेक्शन, दोनों सही है बेटा, इसमें दोनों इसमें आएंगे। चलो 64 पे काम करेंगे अब। 64 सुनो, एक्स कहाँ नेगेटिव दे रखा है बेटा, पॉजिटिव दे रखा है, हाँ कोलिनियर का मतलब भी यही है, एक ही डायरेक्शन। इफ ए इज ए वेक्टर, चलो ये हो गया, इक्वेशन ऑफ लाइन दिस इज, फाइंड ए यूनिट वेक्टर अलोंग द रिफ्लेक्टेड रे एसी, ठीक है। 64 देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन बी ए इज, अगर एक लाइन बी ए है, इसकी इक्वेशन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन। ओ चलो ये बढ़िया क्वेश्चन है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर अलोंग द रिफ्लेक्टेड रे ए सी। बेटा आप क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये आपको दे रखा है अल्फा, ये भी अल्फा, और ये आपको दे रखा है ये बी ए और ये सी, ठीक है। चलो बात सुनो, ठीक है बी ए सी। चलो देखो बात सुनो, इक्वेशन ऑफ लाइन बी ए इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन, ठीक है, इसकी इक्वेशन दे रखी है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर अलोंग द रिफ्लेक्टेड रे ए सी, मुझे बेटा इसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर निकालना, ठीक है। बात सुनो, बात सुनो, आपको याद है कुछ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, आपने बेसिक मैथ्स में ये इक्वेशन पढ़ी होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन बेसिक मैथ्स में, हाँ या ना लिखो, तभी ये क्वेश्चन होगा थोड़ा बहुत। नो, अरे बेसिक मैथ्स में नहीं पढ़ा इक्वेशन ऑफ लाइन, यस। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है,
इक्वेशन ऑफ लाइफ, ठीक है बेटा, क्लियर है। यहां पे जो m होता है इसको स्लोप बोलते हैं, याद है, और वो स्लोप होता है tan थीटा। हाँ बेटा सही है। अब अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे, मैं लिख सकता हूं y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन, जो मैंने दे रखी है, मतलब इस लाइन की इक्वेशन मुझे दे रखी है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो अगर इसको इससे कंपेयर करेंगे तो m कितना आएगा, माइनस वन आएगा कि नहीं, पहले बताओ। हाँ आया, आ गया, वेरी गुड। तो मतलब स्लोप आपका माइनस वन है। इसका मतलब क्या हुआ, स्लोप क्या होता है, ये एंगल होता है, ये ध्यान देना, टेन थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा आपके किसके बराबर बेटा, माइनस वन। लेकिन ये थीटा कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज में लेते हैं हमेशा, एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेके एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ता है। तो ये पूरा एंगल जो ये थीटा है, तो टेन थीटा को माइनस वन का वैल्यू होता है 135 पे, 135 डिग्री पे। कितने पे बेटा, 135 डिग्री। बेसिक मैथ्स में आपने ये सीखा होगा, 135। अगर 135 डिग्री पे बेटा इसका वैल्यू माइनस वन है, तो इसका मतलब है ये पूरा 135 है। हाँ है। ये कितना है, 90 है। हाँ है। तो इसका मतलब है ये एंगल कितना होगा, 45 होगा कि नहीं। इसका मतलब अल्फा कितना होगा बेटा, 45। मुझे अल्फा ही चाहिए था ना, मुझे अल्फा ही चाहिए था। क्यों, क्योंकि अल्फा अगर मुझे नहीं पता तो मैं इसको कैसे, मैं तो इसको फिर ब्रेक नहीं कर सकता। इसीलिए मुझे ये इक्वेशन दे रखी है ताकि मैं यहाँ पे क्या निकाल सकता हूँ बेटा, ये एंगल अल्फा, और ये भी अल्फा ही दे रखा है, तो इसका मतलब है ये एंगल भी 45 ही है। ये बात सबको क्लियर है, हाँ या ना लिखो, किसको क्लियर नहीं है, रिपीट बेटा। इक्वेशन एक लाइन, ये एक लाइन है, इसकी इक्वेशन मुझे दे रखी है y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी, और अगर इसको मैं इसके साथ कंपेयर करूंगा, ये जनरल इक्वेशन होती है, मतलब लाइन की जनरल हम ऐसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और m होता है स्लोप। यहाँ पे m कितना है, माइनस वन ही तो है बेटा, माइनस वन इंटू एक्स, तो इसका मतलब m माइनस वन आया। ये m होता है स्लोप, क्या होता है बेटा, स्लोप। स्लोप का मतलब बेटा tan थीटा, मतलब tan थीटा आपका माइनस वन के बराबर। अगर माइनस वन के बराबर है तो थीटा किसके बराबर, 135 डिग्री। अगर थीटा 135 डिग्री है, इसका मतलब अल्फा 45 डिग्री होगा। कितना होगा बेटा, 45। तो मतलब ये क्यों, क्योंकि ये पूरा तो यहां तक आ गया आपका थीटा, यहां तक 90 है, तो इसका मतलब ये 45 ही तो होगा। अगर ये 45 तो ये भी 45, क्योंकि ये दे रखा है अल्फा अल्फा के बराबर। चलो ये बात तो आपको क्लियर हुई, बस यहां से फिर क्वेश्चन इजी हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको निकालना क्या है बेटा जी, अब आपको निकालना है इस एसी वेक्टर को, मान लो कोई वेक्टर ए नाम दिया मैंने, ए वेक्टर नाम दिया, ठीक है। इस ए वेक्टर को अगर आप देखोगे, मुझे, मैं पहले ये ए वेक्टर निकालूंगा, तो मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं, ए कॉस 45 आई कैप प्लस ए साइन 45 जे कैप, लिख सकता हूं बेटा। मैंने मान लिया ये एंगल भी तो 45 ही होगा, अगर ये 45 होगा, ये कॉस 45 हो गया, और ये क्या हुआ, साइन 45। तो मैंने इस ए वेक्टर को ए कॉस 45 आई कैप प्लस ए साइन 45 जे कैप के फॉर्म में लिखा, कोई दिक्कत नहीं, लिख लिया। तो अब अगर मैंने ऐसे लिखा तो ये वेक्टर ए आ जाएगा, फिर ए कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, तो मतलब ये आएगा ए बाय रूट टू आई कैप प्लस ए बाय रूट टू जे कैप, ठीक है। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए ए कैप, मुझे चाहिए यूनिट वेक्टर, ए नहीं चाहिए था मुझे, मुझे चाहिए ए कैप। ए कैप क्या होगा, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। जब आप वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड करोगे बेटा, ए ए उसके मैग्नीट्यूड से कटेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी ए ही आएगा, ठीक है। तो जब आप करोगे मैग्नीट्यूड, तो आपके पास आंसर आएगा आई 1/√2, सॉरी 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप। ए बेटा ए से कटेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी ए ही आएगा, तो मतलब यही आपका आंसर है, कौन सा, इसको इसने ऐसे लिखा, आई कैप प्लस जे कैप डिवाइड बाय रूट, क्लियर है। ये है बेटा आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन यहां से तो कुछ नहीं है, बट पहले ये एंगल निकालने के लिए आपको बेसिक मैथ्स यूज कराया है इसने, ठीक है। बस ये एंगल 45 आ गया, अगर ये एंगल 45 आपको पता चल गया, तो इसके दो कंपोनेंट लिए, ए कॉस 45 आई कैप प्लस ए साइन 45 जे कैप, बस क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ओके ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 64 था, ये क्वेश्चन नंबर 64 था। इसके बाद आपका 66 डाउट है, ठीक है बेटा, 66। अच्छा 65 भी किसी का डाउट था,
यूजिंग डिफरेंट सेट्स ऑफ कोऑर्डिनेट हैविंग डिफरेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन पे बेटा कंपोनेंट डिपेंड करता है, क्यों करता है, जैसे मान लो ये आप पहले आपने वेक्टर ये लिया, ये थीटा है, ठीक है बेटा, ये मान लो वेक्टर ए है और ये थीटा है, वेक्टर तो डिपेंड नहीं करेगा, मान लो आपने इसको चेंज कर लिया, आपने इसको ऐसे कर लिया, ठीक है बेटा, आपने कोऑर्डिनेट्स चेंज कर लिए, बट बेटा ये एंगल जो है, एंगल तो चेंज हो गया ना, अब अगर एंगल थीटा चेंज हो गया, थीटा चेंज हो गया, आप इसको लिखोगे थीटा चेंज हो गया, अगर थीटा चेंज हो गया तो ऑब्वियसली कंपोनेंट भी क्या होंगे, चेंज होंगे। ये तो ऐसा ही है क्वेश्चन थ्योरेटिकली। क्वेश्चन नंबर 66, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 66, और ये फिर ये वाला पार्ट पूरा हो जाएगा। 66 देखो, ए पार्टिकल हैज पोजीशन वेक्टर दिस एट टी इज इक्वल टू जीरो। टी इज इक्वल टू जीरो मतलब इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये तो आपने काइनेमेटिक्स में सीखा होगा बहुत। तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर आपको दे रखा है कितना बेटा, 3i cap - j cap + 2k cap, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको दे रखा है एट टी इज इक्वल टू जीरो, मतलब इनिशियल पोजीशन वेक्टर। इट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अब कांस्टेंट वेलोसिटी भी आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, -i cap + j cap - 3k cap, ठीक है बेटा जी। हाँ, द पोजिशन वैक्टर ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 3 सेकेंड्स, मतलब आपको एस फाइनल निकालना है, एस फाइनल आपको निकालना है आफ्टर 3 सेकेंड्स, टाइम भी दे रखा है कितना बेटा, 3 सेकेंड। अच्छा कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है तो आप लिख सकते हो क्या, वेलोसिटी क्या आएगा, फाइनल पोजिशन वैक्टर वी एस फाइनल माइनस इनिशियल पोजिशन वैक्टर एस इनिशियल डिवाइड बाई टाइम, टाइम कितना, 3। बताओ ये लिख सकते हो, वी एस फाइनल माइनस वेलोसिटी क्या होती है बेटा, चेंज इन पोजिशन वेक्टर ही तो होती है, चेंज इन पोजिशन वेक्टर डिवाइड बाय टाइम, टाइम तो 3 दे रखा है, वी भी दे रखा है, एस इनिशियल भी दे रखा है, एस फाइनल निकालना है, तो मतलब यहां से कुछ ऐसा, ये इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगी, 3 times v, v कितना, -i cap + j cap - 3k cap, ठीक है बेटा, ये 3 मैंने इधर लिया, इज इक्वल टू एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। अब मुझे क्या चाहिए, एस फाइनल, एस इनिशियल को मैं इधर लाऊंगा, प्लस एस इनिशियल इज इक्वल टू एस फाइनल। अब कर पाओगे क्वेश्चन को, हो जाएगा बेटा, अब हाँ या ना लिखो, अब करना ही नहीं है कुछ बेटा, एस फाइनल देखो, एस फाइनल निकालना है, यही तो मुझे चाहिए, अब मुझे ये -3i cap + 3j cap - 9k cap, ये तो आ गया, इसको जब 3 से मल्टीप्लाई किया, प्लस लिखना है एस फाइनल, एस फाइनल, एस इनिशियल, एस इनिशियल कितना है, 3i cap - j cap + 2k cap, अब कर सकते हो जाएगा अब, है ना, अब तो कर पाओगे, अब कोई दिक्कत नहीं है। ओके बेटा ठीक है, ये आपका ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 66। ध्यान सुनो, आप एक बात सुनो फिर चले जाओ, मैं अब क्या रहे 67 से, यार इसमें क्वेश्चन कितने हैं, बहुत ज्यादा है ना, कल आप इनमें डाउट भेजोगे और प्लस भेजोगे बेटा डाउट जो आपके पेपर में होंगे बेटा, हो जाएगी नॉन मेडिकल की, पहले मेडिकल की, तो अब जो क्वेश्चंस है ना ये सारे के सारे नॉन मेडिकल में भी मिलेंगे, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट मिलेंगे किसमें बेटा, नॉन मेडिकल की बुकलेट में भी, और मैं बता भी दूंगा ये नॉन मेडिकल में भी है, नॉन मेडिकल में भी है, ठीक है। कल पिछले प्लीज पेपर ही कल डिस्कस होगा बेटा आप, बट उसके डाउट्स भेजोगे तभी तो डिस्कस होगा ना बेटा। हाँ अब पहले ये क्लियर करेंगे, हाँ उसके डाउट्स भेज देने कितने भी हैं, और कल हम कोशिश करेंगे ये हो ही जाएगा ना,